देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैम ये आपका आज का प्लानर, सारे अपॉइंटमेंट्स भी इसी में हैं। कम इन। मैम आपकी कॉफी। किसने रखा बॉक्स वहां? यहाँ बैठो तुम, यहाँ बैठो। फर्स्ट एड लेकर आओ जल्दी। लगता है मुंह चाहिए। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। कोई बात नहीं मैम, बहुत ज्यादा नहीं लगी है, आप परेशान मत होइए। बाद में मैं, बाद में नहीं, बाद में स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो। थैंक यू। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। अंदरूनी चोट है ना, टाइम पे इलाज नहीं किया तो स्वेलिंग बढ़ सकती है, पेन बढ़ सकता है। कॉफी नहीं, गरम बना के लाओ, फ्रेश। जी मैम। गरम कॉफी पियोगी तो आराम मिलेगा। और ये स्प्रे अपने पास ही रख, जब जब पेन हो इसे स्प्रे कर। और एक पेन किलर ले लेना, एक अभी और एक शाम को। कैलाश। यस मैम। पता करो वो बॉक्स किसने रखा है यहाँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करो नाउ। ओके मैम। चेयरमैन सर कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। कितनी अच्छी है ना प्राची मैम, फिर ऑफिस में सब लोग क्यों बोलते हैं कि वो इतनी स्ट्रिक्ट है। अगर अच्छे से काम नहीं किया ना तो वो रूबी तुम जल्दी देख लोगी, मेरी तो रोज ही क्लास लगती। पर हाँ यही है जो मेरी माँ की तबीयत के बारे में रोज पूछती है, और जरूरत पड़े ना तो छुट्टी भी देती है और दवाइयों के लिए एडवांस भी, कंपनी रूल के अगेंस्ट जाके। मिस्टर गहलोत, मीट आवर वेरी ब्राइट सीनियर मैनेजर प्राची। और प्राची, मिस्टर गहलोत। हेलो मिस्टर गहलोत। हेलो। लेट हो। गर्मी गंजक पूछा है आज, बताया था आपको, बट डोंट वरी, पूरी तैयारी के साथ आई। तो मिस्टर गहलोत, आपकी वो 50 माले वाली तीनों बिल्डिंग्स का काम शुरू हो गया? क्या फायदा, उस खुसट बुढ़िया से वो जगह तो खाली करवा नहीं पाए आप। पूरे 2 साल हो गए हैं, जब तक वो बुढ़िया उस जगह पर जमी रहेगी, आपका ये 80 करोड़ का लोन मुझे लाखों का लॉस देता रहेगा। काम डाउन मिस्टर गहलोत, मैंने अपने सबसे काबिल पर्सन को ये काम सौंपा है, आज उनकी उस औरत के साथ मीटिंग है। जब बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगी। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर ये उस बुढ़िया को उस जगह से निकाल देगी तो मैं इन्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बना लूंगा। देख लेते हैं आपके इस काबिल लड़की की औकात। मिस्टर गहलोत, आपकी कंपनी की चेयरपर्सन तो नहीं बनूंगी, पर अगर उन बुजुर्ग लेडी को मैंने कन्विंस कर दिया तो आप तमीज जरूर सीखेंगे। जी आपको सीखना पड़ेगा कि औरतों के साथ तमीज से पेश कैसे आते। यू, बात पूरी नहीं हुई मेरी। बिजनेस कितना भी बड़ा हो, इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपकी माँ, पत्नी, बहन, बेटी सब औरत ही है। उनके बारे में कोई अनाप शनाप बात करे तो आप डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर आइंदा किसी भी औरत के बारे में कुछ बोलना हो तो भाषा संभाल के यूज करिए। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की, ये जानती नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर गहलोत, फिलहाल तो आप हमारे कर्जदार हैं, और हाँ इन्होंने जो कुछ भी कहा है अगर आपको वो मंजूर है तो बात आगे बढ़ा दे, वरना आप हमारे 80 करोड़ वापस कर दीजिए, डील यहीं खत्म करते हैं। कंजक पूजा की है, माता रानी का आशीर्वाद लो, और जो कुछ भी कहा है उसे पूरा करो। आई एम विद यू।
चल चल जल्दी चल। पर हम जा कहाँ रहे हैं माई? अरे अमीरों के घर में कंजक पूजा है, सुना है सोने के सिक्के देंगे हर कंजक को और साथ में खाना भी अमीरों वाला। तो सुन, तू अच्छे से खाना खाना और वो सोने का सिक्का ना मुझे ला के देना। पर इन्होंने तो बुलाया नहीं है मुझे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, माता की पूजा है, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा जरा रुक, बाल तो ठीक कर ले पहले। हाँ अभी लग रही है ना अमीरों की लड़की। चल अभी जय करना, जय माता दी बोलना, नमस्ते करना। बेटा तुम ना यहाँ कंजक के साथ बैठ जाना, ठीक है? नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, ये माता रानी का प्रसाद होता है तो इसको मना नहीं करते। हमें 9 कन्या चाहिए होती है ना, लेकिन यहाँ तो 8 ही हैं, तो हमें एक और चाहिए। मम्मा वो भी तो है। हाँ जी, नमस्ते 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 जी, बैठ जाएगी। हाँ चल चल चल, बैठ जाओ बैठ जाओ कंजक के यहाँ बेटा, बैठ जा राजा, आराम से हाँ। जय माता दी। ये यहाँ नहीं बैठेगी। कंजकों में कन्या को देवी का रूप मानते हैं, लेकिन इसके तो बाप का भी पता नहीं है। पता नहीं किस खानदान की है, किसका खून है ये, और मुझे ऐसे शुभ काम में कोई अपशकुन नहीं चाहिए। ये यहाँ नहीं बैठ सकती, हटाओ इसे यहाँ से। ऐसे क्या देख रही है? आपने बोला ना कैसा खून है, गंदा खून है। मेरा तो खून गंदा नहीं है, मेरा तो अच्छा खून है, साफ है। हाँ मुझे पता है, सबका खून लाल होता है और साफ भी। मैंने किसी का खून गंदा नहीं देखा, मैं तो कई बार गिरी हूँ और वो लाल ही निकला। पूछो माई से। और माई का भी खून लाल है, मेरे दोस्तों का भी और पंडित जी का भी। और वो लेके जाओ इसको यहाँ से। मेरे सोने की गिन्नी, सुना नहीं तुमने? लेके जाओ इसको यहाँ से, निकलो यहाँ से। सेठानी जी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से। बच्ची है ना, जाने दीजिए ना। अच्छा ये बच्ची है, पर कभी तो बड़ी होगी ना, तब मालूम पड़ेगा इसे कि कौन सा खून गंदा होता है और कौन सा लाल। पर ये जो तेरी माई है ना, इसे सब पता है, इससे जाके सीख, ये तुझे समझाएगी। ये सब समझ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। माफ कर दीजिए ना सेठानी जी, मैं सब समझा दूंगी इसको। छोटी सी बच्ची कंजक पे बैठी है, थोड़ा प्रसाद दे दीजिए ना, भूख लगी होगी। शीला पहले यहाँ आओ और इन दोनों को निकाल कर फेंको बाहर। चलो निकलो यहाँ से, चलो सेठानी, चलो निकलो निकलो। हे हाथ किसको लगाती है, नौकर है तू, देख लूंगी तुझे, बाहर मिल। सेठानी सेठानी जा रही हूँ, जा रही हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। ये सब तैयारियाँ हो गई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। मिशा, मिशा कहाँ है? मोहिनी आग। अरे अरे ये आग, आग कैसे लग गई? अरे कैसे लग गई? मिशा कहाँ है और आग कैसे लग गई? मम्मी। मिशा मेरी बेटी, वहीं रहना बेटा, बेटा वहीं रहना, मैं आती हूँ। मिशा। मम्मा बचाओ, अंदर कुछ हुआ। हुआ है ना, अभी अंदर से बाहर आए हम, धक्के मार के निकाल दिया हमें, तेरी वजह से हुआ है सब। चल अभी। नहीं भाई, बचाओ बचाओ, आग लगी है, भागो जल्दी, आग लगी है, बचाओ। और मत दे सेठाइन, तू अपनी सोने की गिन्नी, लग गई ना बद्दुआ। अरे मैं तो मन में बोल रही थी कि सब जल के राख हो जाए, तो आग तो लगनी थी, लग गई, छट। माई ऐसी बात मन में नहीं लाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ए खुशी कहाँ भाग रही है? खुशी ये शे क्यों जा रही है आग में कूदने के लिए? इसे अगर कुछ हो गया तो मेरे फूल कौन बेचेगा? ओए खुशी कहाँ चल रही है, रुक जा। हाँ हाँ करती हूँ, अरे जल्दी कुछ करो, पानी लेकर आओ। हेलो फायर,
ब्रिगेड प्लीज जल्दी आइए, यहाँ यहाँ आग लगी है, यहाँ मेरी बेटी फंसी है। साउथ एक्सटेंशन बी ब्लॉक में, डी नहीं, डी डी ब्लॉक नहीं, सी सी ब्लॉक से राइट लीजिए और प्लीज जल्दी आइए, मेरी बेटी फंसी है। फॉर गॉड से बचाओ मम्मा। मीशा रुकिए, खुशी बचा मम्मा। खुशी कहाँ चली गई ये लड़की? बचा मम्मा। खुद तो मरेगी, मेरे को भी साथ में मरवाएगी ये लड़की। ये कौन है और ये वहां क्यों जा रही है? रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, ये गीला है। आओ मेरे साथ आओ। तुम्हें लगी तो नहीं, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पागल हो गई थी? क्या जरूरत थी तुझे उस आग में कूदने की? कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? चल चल यहाँ से, ढंग से चलना। रुको शीला, बच्ची के पैर जले हैं, फौरन जाकर ट्यूब लेकर आओ। अभी लाई। दीपक वो गिन्नियों की थाली लेकर आओ। तुमने मेरी बेटी को बचाया है, आज अगर तुम नहीं होती तो। ये लो, आओ मैं तुम्हें ये दवाई लगा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं लगा लूंगी। नहीं बेटा, पैर तो नहीं धो पाई तुम्हारे, पर ये तो करने दो, तुम सचमुच मेरे लिए देवी का रूप हो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, सॉरी बच्चा। आओ। बैठ जा, मैं ये लगा देती हूँ। अरे ये बर्थमार्क, ये तुम्हें जन्म से ही है? हाँ। बहुत यूनिक है, शायद ही किसी को होगा ऐसा बर्थमार्क। प्यारा सा बर्थमार्क है, ये चांद है और है ये सितारा। पंची मेरे बच्चा, तुम्हें पता है ऐसा ही चांद सितारा तुम्हारे पाप। चांद और सितारा हमारी बच्ची का बर्थमार्क। रणबीर लेकर आया था तुम्हारे लिए, मैंने भी उसी शॉप से एक और बनवा लिया, सेम टू सेम, ताकि मुझे लगे कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ। अब तो चाहकर भी तुम्हें दे नहीं पाऊंगी, पर कोई नहीं दे पाई तो क्या हुआ। हाँ तुम्हारे पास तो अपना एक चांद सितारा है ना, जो तुम खुद लेकर आई हो इस दुनिया में, जो भगवान ने तुम्हें दिया है, चांद सितारे वाला बर्थमार्क। पंछी बच्चे, एक बात याद रखना, तुम कभी नहीं भूलना, यहाँ कोई है जो हमेशा हर पल हर वक्त अपनी हर एक सांस के साथ तुम्हें बहुत याद करता है, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, तुम्हारी माँ है ना। आई लव यू मेरा बच्चा, आई मिस यू माय पंछी, आई मिस यू। मैम हम लोग रेडी हैं आपके साथ जाने के लिए। हाँ मिस्टर गहलोत के लोग भी साथ में है ना? ए
वो दे मुझे। क्या? अरे वही सोने का सिक्का, ला दे। अच्छा सुन, आगे से ना आग बाग में कूदने की जरूरत नहीं है, आज का चलेगा। आज तूने ये दिलवाया है ना। अच्छा सुन, तू जा और जाके दुकान संभाल। हाँ, ये ना आग बुझाने के चक्कर में ना पूरी की पूरी कसरत हो गई मेरी, कमर दुख रही है। हाँ तू जा। अरे मुझे तो फूल वाले कार्ड पे लिखना भी है। 24 करोड़ 25 लाख 1, 24 करोड़ 75 लाख। Excuse me, 25 करोड़। 25 करोड़ 75 लाख। 25 करोड़ 75 लाख 1, 25 करोड़ 75 लाख 2, 25 करोड़ 75 लाख 3। There is final on 25 करोड़ 75 लाख। Congratulations, Mr. Sandeep Thakur. Finally, the deal is yours. Thank you so much. ये वाली डील भी इसको मिल गई? कौन है ये? हम जब भी कोई डील करने जाते हैं वहाँ पे हमेशा हमसे पहले ये पहुँच जाता है और इसको मिल जाती है। क्यों, कैसे? और हमारी ये डील क्यों मिलती है? इससे बात करनी है मुझे। कौन आदमी? छोड़ यार। क्या छोड़ यार? चल अभी चल। हमेशा ही होता है। अगले टेंडर में देखेंगे। चल। अगले टेंडर में पिछले 10 टेंडर ले चुका है। चल। कौन है ये? हेलो मैम, बेट हम ही जीत रहे हैं। Congratulations. It's not possible only. How is this possible? अरे छोड़ ना यार। ये बंदा कैसे? It's okay Ranbir, it's okay. It's not okay. It's not okay at all. जब भी मैं bidding करने वाला होता हूँ, मैं इतना पास होता हूँ अपनी डील के, ये संदीप आ जाता है पता नहीं कहाँ से। हर बार ये मुझे वहाँ मिलता है और मुझसे पहले पहुँचा होता है। तुझे कहता है वो बंदा जो बिडिंग का बोलता है, वो बंदा ही मेरे से पहले इसका नाम ले लेता है हमेशा। यार कुछ तो गड़बड़ है यार, ये मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है पर्सनली। मैं जाके इसे पूछने वाला हूँ क्या है, पता नहीं क्या क्या पूछे। रणबीर क्या पूछे, ऐसे कैसे ले जाएगा सब कुछ? मेरे लिए आज का पहली बार थोड़ी हुआ है, कितनी बार हो चुका है। अरे यार आलिया मैम, हमने कभी भी आपको डिसअपॉइंट किया है क्या? नहीं ना, और आगे भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट में, हम जानते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आप लोगों का बुरा वक्त मैं तय करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। जैसा आलिया खन्ना से बात कर रहा है। What the hell do you think? आलिया बुजी, ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस दो। अब समझा मैं पूरी गेम, मुझे अब समझ में है। तू आलिया बुजी के लिए काम करता है? आइंदा अगर ऐसा किया ना तो क्या करेगा? और इसीलिए तेरे खिलाफ सारे बिट्स हम जीत रहे। और आलिया खन्ना भी इसीलिए इस बिजनेस में आई है ताकि तुझे बर्बाद कर सके, मार्केट में जो तुम्हारी रेपुटेशन है वो खराब कर सके। पिछले 3 सालों से तुमने अपने बॉस के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया। क्यों? Because of her. वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी, समझे? पीठ पे छुरा बोलेगी, मेरे पीठ पे छुरा बोलेगी, मुझे बर्बाद करेगी। लगता है मुझे बर्बाद कर देगी वो। उसको को बोल, अगर मुझे बर्बाद करेगी ना पहले इंडिया में आए। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जाके बता दे अपनी आलिया मैडम को। ढूंढा तो बहुत होगा तूने, लेकिन मिली क्या? नहीं ना, और मिलेगी भी नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी हालत तो मैं देख ही रहा हूँ, पर वो चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद ना कर दे। अब तुम्हारे पास बचाई क्या है? तुम्हारा जॉब भी तुमसे छीन लेगी। फिलहाल तो तुम्हारे पास एक घर है, मेरी एडवाइस है जब तक रहो अच्छे से रहो, नहीं तो आलिया मैडम वो भी छीन लेगी। ट्रस्ट मी। धमकी किसको दे रहा है भाई तू? रणबीर, धमकी किसको दे रहा है तेरी? रणबीर तुझे बताऊं मैं? हां रणबीर, आलिया बुजी चुपके बैठी है ना तो बची हुई है। जिस दिन वो मेरे सामने आ गई ना, उनसे मुझे बहुत पुराना बदला लेना है, याद रख। तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी गाइस, बीचर बोल दियो अपनी आलिया मैडम को। ऐसे चल बीचर, मेरा बिजनेस लेगी, मुझे बर्बाद करेगी। मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों को, मुझे अपना ये घर नहीं बेचना, पर तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जाओ जाके अपने बिल्डर को कह दो
मैं इस घर को नहीं दूंगी। मैम पर आप ये क्या कह रही है, हम आपको इसके दुगने पैसे दे रहे, औरों को जितने दिए उससे भी ज्यादा, और साथ ही साथ आपको इस घर से बड़ा फ्लैट मिलेगा। पैसे नहीं चाहिए, बोला ना मेरे बेटे यूएसए में सेटल है और मेरे पति है नहीं, तो मैं इन पैसों का क्या करूँगी। मुझे अपने इस घर में इन यादों के साथ जीने दीजिए शांति से। चलिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ आंटी। अगर समझ सकती हो तो जाती क्यों नहीं हो, कब से यहाँ खड़ी हो। चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी बात सुन। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, तुम्हारी इन मीठी चोपड़ी बातों से मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। मैं आपको ये घर छोड़ने के लिए नहीं कह रही। मैम ये आप क्या कह रही है, मैं बात कर रही हूँ, लेट मी स्पीक। बट इस मकान का टूटना बहुत जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मकान नहीं है, घर है इनका। चार दीवारों को इकट्ठा करके छत टिका दी तो उसे मकान कहते, घर नहीं। घर तो यादों से जुड़ा होता है, जब चार दीवारों के बीच हंसी खिलखिलाहट की आवाज हो, कभी कभी सिसकियां हो, सुख दुख हो, प्यार हो, परिवार हो, अपनापन हो, खुशी हो, गम हो, उसे घर कहते हैं।